हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं इस मर्तबा 100% सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होंगी। ये दावा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने किया है। डॉक्टर सोनी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय से भी परीक्षाओं के संचालन को लाइव देखा जा सकेगा। इसके लिए बोर्ड मुख्यालय में वर्चुअल वॉल क्रिएट की जाएगी। जो कि तैयार हो गई है, वर्चुअल बॉल में लाइव देखा जा सकेगा कि परीक्षा कैसे चल रही है। लाइव किसी परीक्षा केंद्र में कुछ गलत नजर आएगा तो फोन पर सूचित करके सुधार को कहा जाएगा और एक्शन की जरूरत होगी तो एक्शन भी लिया जाएगा। यही नहीं, इस मर्तबा सीसीटीवी का बैकअप रखने के लिए एक शिक्षक को टेक्निकल इन्विजिलेटर का दायित्व भी दिया जाएगा। ये सब प्रक्रिया स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए अपनाई जा रही है। गौरतलब है कि गत वर्ष आयोजित बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी की स्थापना सुनिश्चित नहीं हो पाई थी, लेकिन इस मर्तबा बोर्ड ने 100% परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में करवाने का निर्णय लिया है। परीक्षा केंद्रों में फ्लाइंग आग्रह पूर्वक जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स में हड़कंप ना मचे। एडीएम को फ्लाइंग का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त एसडीएम की अध्यक्षता में उपमंडल स्तर पर फ्लाइंग टीम होगी। वहीं 22 प्रिंसिपल की अध्यक्षता में भी एक अलग से फ्लाइंग दस्ता होगा। किसी भी सेंटर में 2 ही फ्लाइंग जाएंगी। यही नहीं, बोर्ड की भी अलग से फ्लाइंग होगी। नगर निगम धर्मशाला के सिद्धपुर में अज्ञात लोगों द्वारा गत रात शिवलिंग तोड़ दिया गया, जिसके विरोध में बजरंग दल ने डीपीजी प्रदेश पुलिस को ज्ञापन भेजा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। शिवलिंग को तोड़कर साथ लगती झाड़ियों में फेंक दिया गया। इसकी सूचना रात को ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को दे दी, जिस पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची थी। बजरंग दल ने इस घटना के विरोध में एसपी के माध्यम से डीजीपी को भेजे ज्ञापन में मांग की है कि ऐसे हिंदू विरोधी तत्वों पर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए। जिससे कि आगामी समय में देवभूमि का माहौल खराब ना हो पाए। शिवलिंग तोड़ने की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए थे तथा उन्होंने हिंदू विरोधी ताकतों के खिलाफ नारेबाजी की। बजरंग दल विभाग प्रमुख नरेंद्र दीमान ने कहा कि सिद्धपुर स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, विधर्मियों द्वारा और शिवलिंग तोड़ा गया है। हमारी मांग है कि हिंदू विरोधी तत्वों और स्लीपर सेल जो एक्टिव हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में डीजीपी को एसपी जिला कांगड़ा के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है। हमारा मानना है कि मेजोरिटी को उकसाने और दंगे भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि कल देर शाम को किसी व्यक्ति ने सिद्धपुर के समीप शिवलिंग को तोड़कर फेंक दिया था। उस संबंध में आज लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। एसएचओ को रात को ही मौके पर भेजा गया था। इस संदर्भ में मामला दर्ज कर दिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुजानपुर सिविल अस्पताल में आए दिन मरीजों को हो रही परेशानी की शिकायतों के बाद उपमंडलाधिकारी शिल्पी बेक्टा ने सुबह सुजानपुर सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और पाया कि कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके कारण मरीजों की लंबी कतारें डॉक्टरों के कमरे के बाहर लगी हुई थी। उपमंडल अधिकारी शिल्पा द्वारा मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए कारण बताओ नोटिस विभाग को जारी कर दिया है। और भविष्य में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने की बात कही। साथ ही उपमंडलाधिकारी शिल्पी ने विभाग को अस्पताल में सूचना पट पर डॉक्टरों की सूची लगाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सुजानपुर सिविल अस्पताल में डॉक्टर के सभी स्वीकृत पद 6 भरे हुए थे, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते जनरल ओपीडी में एक या
दो डॉक्टर ही बैठते हैं, जिसके कारण सुजानपुर सिविल अस्पताल की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। वहीं अस्पताल में प्रयोगशाला सहायक का पद भी पिछले दो वर्षों से खाली चल रहा है और विभाग गांव से पीएससी जंगलबेरी और चोरी से डिप्यूटेशन पर लगातार प्रयोगशाला सहायक को बुला रहा है, जिससे पीएससी जंगलबेरी के लोगों को टेस्ट करवाने के लिए काफी पैसा बाहर खर्च करना पड़ रहा है। उपमंडलाधिकारी शिल्पी बेगटा ने बताया कि अस्पताल में मरीजों को आए दिन हो रही दिक्कतों की शिकायतों पर निरीक्षण किया गया और विभाग व बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही विभाग को चेतावनी भी दी गई है कि अगर भविष्य में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।